मेटा इन लेक्सिकल एनालिसिस फेज। अभी तक हमने बात की है कि लेक्सिकल एनालिसिस फेज का मेन फंक्शन है टोकन्स जनरेट करना। ये टोकन्स कैसे जनरेट किए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। वैसे तो ये टॉपिक है आपका टॉप सब्जेक्ट का थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, बट यहाँ हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कि क्या रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या NFA DFA होता है और किस तरीके से वो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में यूज किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप इज लेक्सिकल एनालाइजर स्टोर्स द इनपुट इन इनपुट बफर। मींस आपका जो प्रोग्राम जिसे आपको कन्वर्ट करना है, लेक्सिकल एनालाइजर उस प्रोग्राम को इनपुट बफर में स्टोर करता है। द टोकन इज रीड एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस आर बिल्ट फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग टोकन्स। अब आपका स्कैनर आपके प्रोग्राम को स्कैन करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टोकन को जनरेट करेगा और पर्टिकुलर टोकन के अगेंस्ट एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जाता है। देन रेगुलर एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और ये रेगुलर एक्सप्रेशंस फिर कन्वर्ट किया जाएगा NFA में। देन फॉर ईच स्टेट ऑफ NFA अ फंक्शन इज डिजाइन एंड ईच इनपुट अलोंग द ट्रांजिशनल एजेस कोरिस्पोंड्स टू द इनपुट पैरामीटर्स ऑफ दीस फंक्शंस। पहले आपका हर टोकन के अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। Then, इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट किया जाता है NFA में। NFA में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप करते हैं इनपुट्स के साथ पे, जो हम इनपुट बफर से रीड करते हैं। तो NFA में जो भी स्टेट्स हमने यूज की, हर स्टेट के लिए आप क्या लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, फंक्शंस कॉरिस्पॉन्डिंग टू एवरी स्टेट। हर स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फंक्शन लिखा जाएगा और स्टेट में जो भी ट्रांजिशन एजेस होती है लाइक दीज, इन ट्रांजिशनल एजेस की इंफॉर्मेशन हम इन फंक्शंस को एज अ पैरामीटर्स पास करते हैं। देन जितने भी फंक्शंस हम लिखेंगे, जितनी भी स्टेट्स होंगी, जितने भी फंक्शंस हम लिखेंगे, वो फंक्शंस क्या करते हैं, अल्टीमेटली क्रिएट करते हैं आपका लेक्सिकल एनालाइजर। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। स्टार्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशंस या NFA DFA की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज क्या होता है, इनिशियली हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, सम सेट ऑफ कैरेक्टर्स। जब इन कैरेक्टर्स को हम कंबाइन कर देते हैं, तब आपका क्रिएट होता है अल्फाबेट या फिर हम इसे वर्ड भी कहते हैं। जब इन वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है, तब आपका स्ट्रिंग बनता है। और जब आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हैं, तब आपकी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज बनती है। तो जब भी हम लैंग्वेज की बात करेंगे, हम बात करेंगे रेगुलर लैंग्वेज की। रेगुलर लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज सबसेट है कोई किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का। रेगुलर लैंग्वेज को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज कहेंगे अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखा जा सकता है तो, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज होगी अगर कोई ऐसी फाइनाइट स्टेट मशीन है जो ये बता सकती है कि कोई पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। अगर ऐसा कोई फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है तो उस लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। तो वापस आते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे। रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ यूज होते हैं, यहाँ जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। Means regular expressions are used to represent set of strings. Okay, कुछ नहीं है, regular expression क्या है, collection of some symbols and some operations. अब हम बात करते हैं some facts about regular expressions की। तो क्या होता है आपका, फाइव नन एंड फॉर ऑल ए बी
बिलोंग्स टू अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है आपका? अल्फाबेट वो कैरेक्टर सेट है जो आपकी लैंग्वेज में यूज होते हैं। इट कैन बी 0 और 1, इट कैन बी ए बी और एनी अदर सिंबल्स दैट यू यूज इन योर लैंग्वेज। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस में क्या होता है, 5 नल स्ट्रिंग एंड जितने भी ए मींस जितने भी आपके सिंबल्स यूज हो रहे हैं अल्फाबेट सेट में वो सब क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस। ओके, अब क्या होता है, आप हम सपोज करते हैं लेट R1 एंड R2 आर टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। सपोज R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, तो क्या होगा, R1 प्लस R2 इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लियर? अगर R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो R1 प्लस R2 भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R1 डॉट R2 इट इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आप उनका डॉट ऑपरेशन करते हैं तो वो भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R1 स्टार इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। स्टार मींस स्टार इज रेफर्ड टू एज द क्लीन क्लोजर। अब क्लीन क्लोजर क्या होता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज दिस इज रिटन हियर ए स्टार। अब इस स्टार का मीन्स क्या है, एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। या फिर हम कह सकते हैं एनी नंबर ऑफ पावर्स। राइट, ए स्टार की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लैम्डा भी कंसीडर करते हैं, देन सिंगल ए भी हो सकता है, डबल ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, ए फोर, अप टू एनी नंबर ऑफ पावर्स कैन बी यूज्ड हियर एंड दिस इज रेफर्ड टू एज क्लीन क्लोजर। सेम इसी तरह ए प्लस होता है, प्लस मींस क्या होता है आपका, इसमें आपका नल स्ट्रिंग जो है वो नहीं काउंट की जाती है। तो ए प्लस विल स्टार्ट फ्रॉम ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, A star is equals to A plus union lambda। अगर आप A plus में lambda भी include कर देते हैं तो आपका A star और clean closure आपको मिल जाता है। तो अगर R1 कोई regular expression है तो उसका clean closure भी regular expression होगा। Similarly, this is also a regular expression। और हम कह सकते हैं एनी एक्सप्रेशन मेड विद द हेल्प ऑफ अबव एक्सप्रेशंस इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन जो इन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके बनाया गया है या इनको यूज करके बनाया गया है तो वो भी आपका क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो चलिए अब देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। सपोज राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल दी स्ट्रिंग्स कंटेनिंग any combination of a and b। आपको regular expression लिखना है उस string के लिए जिसमें कितने number of a और b हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लिख सकते हैं a plus b star। यहाँ पर जो plus operator है ये आपका चॉइस को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स दी चॉइस। प्लस मींस या तो आप ए ले सकते हैं या आप बी ले सकते हैं या आप ए बी ले सकते हैं या आप बी ए ले सकते हैं। और क्लीन क्लोजर है मींस एनी नंबर ऑफ पावर्स कैन बी इंक्लूडेड हियर। तो मींस ए और बी के साथ जो भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो सब कॉम्बिनेशन ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका एक्सेप्ट करेगा। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन
स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद जीरो एंड एंडिंग विद वन। अब हमें इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो स्टार्ट होंगी आपकी जीरो से और टर्मिनेट होंगी वन से। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो दो पोजीशंस हैं आपकी, फर्स्ट पोजीशन एंड द लास्ट पोजीशन, ये फिक्स हो गई है। फर्स्ट पोजीशन आपकी जीरो ही हो सकती है और जो लास्ट पोजीशन है वो वन ही हो सकती है, और इन बिटवीन आपका कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है ए जीरो और वन का। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीरो प्लस वन स्टार। तो ये क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन उन सभी स्ट्रिंग्स के लिए जो स्टार्ट होगी जीरो से टर्मिनेट होगी वन से और बीच में आपका जीरो और वन का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इट इज अ मशीन टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स, अ मशीन टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स। ओके, ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है और जब भी हम उसे कोई इनपुट देते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज करता है और उस स्टेट में से कुछ स्टेट्स आपकी फाइनल स्टेट्स या एक्सेप्टिंग स्टेट्स हो सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं सपोज दिस इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा, ये फाइनाइट ऑटोमेटा है हमारे पास किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करेगा, उस लैंग्वेज में से अगर हम कोई स्ट्रिंग इसे प्रोवाइड करते हैं एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा आपको बताता है स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। कोई भी इनपुट स्ट्रिंग आपने दी तो जिस लैंग्वेज के लिए ये फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन किया गया है वो उस स्ट्रिंग को उस लैंग्वेज के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज से बिलोंग करती है तो फाइनाइट ऑटोमेटा आपको आउटपुट देगा कि स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो गई है, अदरवाइज स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर? नाउ फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप का होता है आपका, DFA एंड NFA। DFA इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड NFA इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट
जितनी भी सेट्स आप DFMA यूज कर रहे हैं वो सब किस में होगी आपके Q सेट में। देन Q0 रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्टेट, आप कौन से स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द Q0। और अगर हम ट्रांजिशन डायग्राम की बात करें तो इनिशियल स्टेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एरो। देन देयर इज द अल्फाबेट सेट, आप कौन कौन से अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, लाइक मोस्टली आपका होगा 0 या 1 या ए और बी या और भी कोई अल्फाबेट्स अगर आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं तो वो आपके इस सेट से बिलोंग करेंगे। देन देयर इज अ ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन आपका बताता है कि किसी एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट पर कैसे मूव करेंगे। एंड देन देयर कम्स द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स को हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल स्टेट्स आपकी मोर देन वन हो सकती हैं। अगर कोई स्ट्रिंग आपकी फाइनल स्टेट पे होल्ड करती है तभी ऑटोमेटा आपको आउटपुट देगा कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है। अगर वो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे होल्ड करती है इट मींस आपकी स्ट्रिंग लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती। नाउ देखते हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, किस तरीके से डिफाइन करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन को। ट्रांजिशन फंक्शन इज डिफाइंड एज क्यू इंटू अल्फाबेट एंड क्यू। इट मींस वी आर ऑन अ स्टेट, we are reading some input value, then we can move to a particular new state. Okay? ये है आपका deterministic finite automata. अब ऐसे ही हम non-deterministic finite automata को देख लेते हैं। non-deterministic finite automata में भी क्या होता है? यही five tuples use करते हैं। Same यही मैंने बोलता है set of states, initial state, alphabet set, transition function and the final states. जो दोनों में मेन डिफरेंस आता है वो आता है आपका ट्रांजिशन फंक्शंस में। तो अब हम देखते हैं ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है दोनों का। DFA का ट्रांजिशन फंक्शन है कि अगर हम NFA की बात करें तो NFA में ट्रांजिशन फंक्शन होता है दिस। DFA कहता है हम किसी स्टेट पे हैं, हम किसी स्टेट में हैं, हमने कोई इनपुट सिंबल रीड किया, हम किसी एक नई स्टेट पर चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बट NFA में क्या होता है, हम किसी स्टेट पे हैं, हम कोई इनपुट सिंबल रीड कर रहे हैं या फिर दिस इज नल ट्रांजिशन, हम कोई सिंबल नहीं भी रीड कर रहे हैं तब भी हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेट पर मूव करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 2^q स्टेट्स पे। इट मींस हम किसी अगर एक स्टेट पर हैं तो हम 2^q न्यू स्टेट्स पर जंप कर सकते हैं। सपोज अगर दो स्टेट्स हैं q = 2 देन वी कैन मूव टू 2^2 दैट इज 4 स्टेट्स, वी कैन मूव टू 4 न्यू स्टेट्स। बट इन DFA देयर इज ओनली वन स्टेट ऑन व्हिच वी कैन मेक अ ट्रांजिशन। This is the main difference between these two. जो दूसरा difference आता है वो आता है आपका DFA is a total function and NFA is a partial function. Total function means क्या होता है कि आपको DFA में हर state पर हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशंस को डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज मेरे पास दो इनपुट सिंबल्स हैं 0 और 1 और एक स्टेट है Q0, तो मुझे Q0 से 0 के लिए भी मूवमेंट शो करनी पड़ेगी और मुझे 1 के लिए भी मूवमेंट शो करनी पड़ेगी। बट NFA में ऐसा नहीं है, NFA आपका पार्शियल फंक्शन है, उसमें आपके पास चॉइस है, आप मूवमेंट्स को शो भी कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर सिंबल के लिए मूवमेंट्स को स्किप भी कर सकते हैं। दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन द NFA एंड द DFA। नाउ एक एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं।
डिजाइन अ डीएफए टू एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग्स फॉर एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग्स दैट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ एज. आपको डीएफए डिजाइन करना है उन स्ट्रिंग्स के लिए जिनमें इवन नंबर ऑफ ए ही काउंट हो. मींस अगर दो हैं या चार हैं या छह हैं तभी वो एक्सेप्ट हो आपकी स्ट्रिंग, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाए. इसके लिए हमें डीएफए को डिजाइन करना है. तो देखिए कैसे डिजाइन होगा डीएफए. हम इनिशियल स्टेट से बात करते हैं. इनिशियल स्टेट हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. हमने इनिशियल स्टेट बनाई, हमने इसको नाम दे दिया क्यू जीरो. अब देखिए अगर मेरे पास that contains even number of A and A's, तो it means यहाँ पर हमारे पास input alphabet क्या है, A और B दो alphabets होंगे, ठीक है. तो अब देखिए अगर मेरे पास zero number of A है, means सिर्फ B B की कोई string है, तो भी क्या होगा, वो string accept होना चाहिए क्योंकि zero को भी even number में count किया जाता है. तो मैंने हमारे initial state को ही final state बना दिया क्योंकि सपोज हमारे सिर्फ स्ट्रिंग दी B, तो ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि इसमें आपका एक भी A नहीं है. सिमिलरली अगर मैंने दे दिया ये, तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक भी A नहीं है. तो इसके लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको. हमने B के लिए यहाँ पे संख्या लगा दिया कि कितने नंबर ऑफ B's भी यहाँ पर आ सकते हैं. देन अगर हमारे पास A आता है तो हम किसी दूसरी स्टेट पर मूव कर जाएंगे. ओके अब अगर इसके बाद दूसरा ए आ जाता है तो आप वापस किस पे आ जाएंगे, फाइनल स्टेट पर. आप दोबारा उस फाइनल स्टेट पर आ जाएंगे. इसी तरीके से अगर आपके पास थर्ड ए आ जाता है तो आप नॉन फाइनल स्टेट पे मूव कर जाएंगे. बट अगर फोर्थ ए आ जाता है तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, क्यू जीरो पे, जो कि क्या है आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट है. अब अगर यहाँ पे कोई भी मेरा बी सिंबल आ जाता है, सपोज ये आया ए बी बी, तो क्या ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. चलिए देखते हैं. हमने दिया ए, ए से हमने मूव किया क्यू वन पर, क्यू वन पे मूव किया, आया बी, अगेन बी, तो ये स्ट्रिंग जब टर्मिनेट हुई तो हमने कहाँ पर होल्ड किया, नॉन फाइनल स्टेट पे. इट मीन्स वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई. दिस इज द डीएफए फंक्शन. डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. डिटर्मिनिस्टिक मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है. इस मेरे पास क्यू जीरो स्टेट पर हम हैं, ए के लिए मैंने सिर्फ एक ही स्टेट पे मूव किया है, बी के लिए भी मैंने एक ही स्टेट पे मूव किया है. हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम मल्टीपल स्टेट्स पे मूव कर सकें, जो कि आपकी एनएफए में होती है. ओके एंड दिस इज द टोटल फंक्शन. टोटल फंक्शन मींस आपको ए के लिए भी ट्रांजिशन डिफाइन करनी है, आपको बी के लिए भी ट्रांजिशन डिफाइन करनी है. सिमिलरली क्यू वन स्टेट से भी हमने ए के लिए ट्रांजिशन को डिफाइन किया है और बी को बी के लिए भी डिफाइन किया है. तो जितने भी इनपुट सिंबल्स आपके पास हैं, जितनी भी स्टेट्स आपके पास हैं, हर स्टेट पर आपको हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशंस को डिफाइन करना पड़ेगा. अब आते हैं हम एनएफए पर. कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, लाइक डिजाइन ऑफ एनएफए. डिजाइन ऑफ एनएफए फॉर एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग्स दैट एंड्स विद 101. हमें वो एनएफए डिजाइन करना है जो सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो आपकी टर्मिनेट होगी 101 से. इसके लिए हमें एनएफए डिजाइन करना है. तो कैसे डिजाइन होगा देखिए. स्टार्ट करते हैं हम लोग इनिशियल स्टेट से. इनिशियल स्टेट को एरो से रिप्रेजेंट किया. देन 101 को हमें एक्सेप्ट करना है, तो हमने डायरेक्ट पहले ये बना लिया 1. हम नेक्स्ट स्टेट पे गए, इस स्टेट पे अगर 0 आया तो हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर गए. इस स्टेट पर अगर 1 आया तो हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर गए. और ये नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी. क्योंकि अगर 101, सपोज मैंने सिर्फ ये स्ट्रिंग दी 101, तो ये क्या होना चाहिए, आपका फाइनल स्टेट पर होल्ड होना चाहिए. तो ये आपका बन गया एनएफए 101 के लिए. अब
कोई और होती है लाइक इस तरीके की होती है 11101, तब क्या होगा आपको इस केस में, क्या करना है आपको? यहाँ पर हम मूव कर देंगे एनी नंबर ऑफ जीरो और वन, यहाँ पर कितने भी जीरो और वन आए आप कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे, बट जैसे ही लास्ट थ्री डिजिट्स बचेंगी आपका चेक किया जाएगा कि क्या वो लास्ट थ्री डिजिट्स 101 है, अगर 101 है तो वो फाइनल स्टेज पर आपके स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज वो किसी नॉन फाइनल स्टेज पर आपका होल्ड करेगा, तो आपका डीएफए एनएफए आपको बताएगा कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई या फिर नहीं हुई। सो दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट डीएफए एंड एनएफए। एक पॉइंट जो और हमें याद रखना चाहिए वो ये है कि फॉर एवरी एनएफए देयर इज एन इक्विवेलेंट डीएफए, मीन्स हम कह सकते हैं एनएफए इज इक्विवेलेंट टू डीएफए। अगर हमारे पास एनएफए है तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए डिजाइन कर सकते हैं।